हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है एक मिश्रा ट्रेडिंग में। ट्रेडर्स, हम लोग जिस कंपनी के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम नालको लिमिटेड है। देखिए, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। 43.65 रुपीज पे चल रही है। तो कैसी है कंपनी, इसके ऊपर हम लोग पूरा विस्तार से बात करेंगे। क्या ये कंपनी मल्टी बैगर बन सकती है, उसके बारे में भी जानेंगे। कंपनी ने अभी हाल फिलहाल में डिविडेंड प्रोवाइड किया है, तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। देखिए ट्रेडर्स, नेशनल एल्युमिनियम लिमिटेड की जो कंपनी है वो 43.70 रुपीज पे क्लोज हुई है 18 दिसंबर को। ईपीएस जो है 1 का है। मार्केट कैपिटल 80.868 बिलियन की है। डिविडेंड यील्ड ये कंपनी 1.14% प्रोवाइड की है। पीई जो है 43.445 है। अच्छा, अभी देखिए मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जिन लोगों को अब इसमें बाई करेंगे सोच रहे हैं अभी डिविडेंड मिल जाएगा, अब नहीं मिल पाएगा। अब आपको नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टाइम जब ये कंपनी डिविडेंड ईयर प्रोवाइड करेगी तभी आपको मिल पाएगा। आज क्योंकि डिविडेंड ईयर ये इन्होंने 17 को ही दे दिया है। अब चलिए हम लोग इसके ऊपर बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन फिर भी डिस्कस करेंगे तो उसमें भी डिविडेंड ईयर की बात जरूर होगी। अभी देखिए फाइनेंशियल में देख लेते हैं। जैसा कि मार्केट कैपिटल मैंने आपको बताया 80.688 बिलियन है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है ट्रेडर्स वो 17,000 से भी ऊपर है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर 2,48,000 से ऊपर है। एवरेज वॉल्यूम जो 10 डेज का है वो 21.454 मिलियन का है। 52 वीक हाई जो है 48.75 रुपीज है। 52 वीक लो जो है 24.40 रुपए है। बुक वैल्यू जो शेयर की है 54.20 रुपीज है। तो इस हिसाब से बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनती है आपको बाई करने की, क्योंकि शेयर 43 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। आरओई इसका काफी कम है, देखिए 1.33% है, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। बैलेंस शीट में देखें तो नेट डेट एमआरक्यू जो है माइनस में 24.37 बिलियन है। टोटल डेप्ट एमआरक्यू जो है 328.7 बिलियन है। टोटल एसेट जो है कंपनी का 150.24 बिलियन के ऊपर है। आइए इसकी प्रोफाइल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सेक्टर जो आता है नॉन एनर्जी मिनरल से, इंडस्ट्री एल्युमिनियम की है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, सेल करती है एल्युमिनियम और केमिकल प्रोडक्ट को। तो देखिए दो सेगमेंट पे मेनली काम करती है, केमिकल और एल्युमिनियम पे। तो उसी के रिलेटेड हाइड्रेट केमिकल हो गया, एल्युमिनिया का, वो सब ये सेल करती है और उनका प्रोडक्ट भी बनाती है। तो कंपनी जो फाउंड की गई थी January 7, 1981 में, हेडक्वार्टर इसका भुवनेश्वर अपने इंडिया में है। देखिए तो ये है ट्रेडर्स वो बात जो मैं आपको बता रहा था। इंटरमीडिएट डिविडेंड प्रोवाइड किया है, मतलब March 31, 2021 का जो फिजिकल ईयर तो यही आया, तो इसी के अंदर जो प्रोवाइड कर रहे हैं लोग इंटरमीट डिविडेंड जो है 50 पैसे का कह लीजिए। तो इसको अगर कैलकुलेट किया जाए 10% फेस वैल्यू के हिसाब से तो ₹5 पर शेयर पे मिला है सभी को ये डिविडेंड जो मिला है December 27 को, अभी ही जस्ट 2 दिन पहले ही। तो इसलिए ये जितने लोग एलिजिबल थे इस शेयर को बाय करके चल रहे थे उनका इतना रुपया मिला है पर शेयर। तो आइए अभी भी देखिए कंपनी काफी अच्छा डिविडेंड ईयर प्रोवाइड करती है। प्रो कॉन्स पे बात कर लेते हैं। तो कंपनी ने अपना डेप्ट रिड्यूस किया है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री होने वाली है। स्टॉक प्राइस जो है जैसा कि मैं आपको बता रहा था अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये प्लस पॉइंट आ जाता है। कंपनी मेंटेनेंस कर रही है गुड डिविडेंड पे आउट को, 100 से भी अवप का इसका डिविडेंड पे आउट रहा है। कॉन्स में कंपनी जो है उसकी ग्रोथ 5 ईयर की, ये भी एक तरीके से कह लीजिए RVNL की तरह है ट्रेडर्स ग्रोथ करती। आपको जैसे RVNL के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसको भी चेक कर सकते हैं, उसका भी डिविडेंड आपको मिला। तो कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी 8.24% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। 3 ईयर से इक्विटी जो रिटर्न, जैसे मैं आरओई की बात कर रहा था। लायबिलिटीज अभी भी 2,561.82 करोड़ की है। प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी घटी है, देखिए ओवर 3 ईयर बोले तो 13.86%, ये काफी बड़ा नंबर हो जाता है इस हिसाब से, तो 13% गिर गई है, 13-14%। क्वार्टरली रिजल्ट पे बात कर लेते हैं ट्रेडर्स। तो देखिए क्वार्टरली रिजल्ट में जून 2018 से गिरावट आई है, बट जून क्वार्टर अपना जो इस ईयर का है अगर देखा जाए तो मार्च जून में देखिए, उसके बाद जून में लॉकडाउन की वजह से 121 का था, इसके बाद 276 आया।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लें ट्रेडर्स, तो जून क्वार्टर का जो 2018 का है वो देखिए बहुत शानदार रिटर्न था इसका कंपनी का, इसलिए आपको कंपनी 2018 में काफी अच्छा बूम करती हुई दिखाई दे रही थी, 100 कह रहा हूँ 70 से 80-90 के बीच में ट्रेड कर रही थी, तो इस तरीके से इसके नंबर थे। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि इस कंपनी में उम्मीद बहुत अच्छी है आपको अच्छा रिटर्न देने की, क्योंकि रिकवरी इसकी अच्छी खासी चल रही है। देखिए कंपनी लॉकडाउन था, सब कुछ को झेला इसने, फिर भी प्लस में रही। दिसंबर क्वार्टर में जब कोई दिक्कत नहीं थी उस टाइम पे कोई इसकी कंपनी की कोई इश्यूज था, उसकी वजह से कम रिटर्न आए सितंबर 2019 में, दिसंबर 2019 में, बट अब कंपनी रिकवर कर चुकी है। तो नेट प्रॉफिट जो आ रहा है अभी करंटली 107 आ रहा है, ये सारे फिगर्स जो है ट्रेडर्स वो करोड़ रुपीज में है, तो उसके लिए आपको चिंता मतलब डाउट करने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस पे बात करें ट्रेडर्स, तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रही है। एक कंपनी होती है देखिए लॉस में चल रही होती है, एक चल रही होती है प्रॉफिट में, तो जो कंपनी प्रॉफिट में चल रही होती है, कम से कम प्रॉफिट में चल रही है बट प्रॉफिट में है, तो वो अच्छी बात आ जाती है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे बात करें ट्रेडर्स, तो देखिए घटा है इसका मार्च से, पर अच्छा है, लास्ट ईयर से काफी भयंकर तरीके से घटा है। अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 2,893 करोड़ का प्रॉफिट था, बट इस बार लॉकडाउन और बाकी चीजों की वजह से जब मार्च में नंबर आए थे इसके तो 487 करोड़ का हुआ था प्रॉफिट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो मार्च 2019 में 2,741 था, इस बार का जो है 24 का है। नेट प्रॉफिट देखें तो 1,734 थे मार्च 2019 में, 136 जो है मार्च 2020 में है। अब आइए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे बात कर लेते हैं। तो जैसा कि शेयर होल्डिंग के बोल रहा था कि वहां पे 14% की गिरावट आई है, तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है 51% अभी भी बरकरार है। एफआईज की होल्डिंग जो है 7.16% है, तो पिछले क्वार्टर से गिरावट आई है एफआईज की होल्डिंग में और डीआईज की होल्डिंग में भी आई है जून क्वार्टर से। तो बट आपको आने वाले मौके में देखिए क्या हो रहा है कि पब्लिक की होल्डिंग बढ़े जा रही है। मैंने जितने अभी जस्ट देखा है कि काफी ज्यादा लोग शेयर मार्केटिंग में अपने इंडिया में भी इच्छुक हो रहे हैं, तो अच्छी बात है। पब्लिक की होल्डिंग देखिए 31.37% हो गई है। टेक्निकल एनालिसिस जो करने के बाद डाटा आता है नेशनल एल्युमिनियम या नालको का कह लीजिए, मूविंग एवरेज और स्किटॉल पिवोटल से रिजल्ट डिसाइड होता है कि बायर्स को बाय सेल क्या करना चाहिए। तो जो करंटली कॉल आ रही है निकल के वो हम लोग लास्ट में जानेंगे, उससे पहले हम लोग चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए ट्रेडर्स एक बार आपको मैं बहुत इसमें तीन चार्ट बनाने पड़े हैं मुझे, बट कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है। मई से लेके सितंबर तक का आप डाटा देखेंगे तो आपको अप डाउन मतलब स्लोप अपवर्ड की तरफ चल रही थी तो काफी अच्छी, फिर उसके बाद देखिए गिरावट आई बट उसको इसने रिकवर किया और उसके बाद अपर मूवमेंट भी दिखाया, जो मैंने आपको एक कह लीजिए ट्रायंगल की तरह जो शेप दिख रही है उसके तरह मैं उसका बता रहा हूँ अभी फिलहाल में। फिर इसने अभी देखिए जो अप डाउन इसका बना है, चैनल पैटर्न जो बन रहे हैं, छोटे छोटे कैंडल बन रही है, तो 40 रुपीज 70 पैसे से लेके 44 रुपीज तक की लगभग 45 मान लीजिए 40 रुपीज 70 पैसे से 45 के बीच में कैंडल बन रही है। तो ये अच्छा बात है कि नया सपोर्ट और नया रेजिस्टेंस कंपनी जनरेट कर रही है। अगर इसी तरीके से रहा तो ज्यादा गिरावट नहीं आएगी, आपको डिप मिलेगा। तो इसके ऊपर और बात करें तो देखिए जैसे हम लोग थोड़ा पीछे जाएं हिस्ट्री में, तो कंपनी ने बहुत बार 48 रुपीज 30 पैसे को क्रॉस करने की कोशिश की है बट हर बार उसको टेस्ट करने के बाद डाउन आ गई है। अगर ब्रेक कर देती है इस पॉइंट को तो कंपनी आपको बहुत सुनहरा नंबर दिखाई देगी। देखिए मार्च 2019 में था, इसने बहुत बार टेस्ट किया अपने आप को 48 रुपीज के पास जाके 48 रुपीज 49 रुपीज कह लीजिए, ये जो मैंने तीन सर्कल बना रखे हैं ये बार बार इसने टेस्ट किया बट इसको क्रॉस नहीं कर पाई। अगर इस बार कर जाती है तब तो बहुत अच्छी बात आ जाती है आप सभी के लिए और हम सभी के लिए कि इसमें बहुत अच्छा आपको टारगेट और होल्ड करेंगे तो और भी अच्छे रिटर्न मिलेंगे क्योंकि कंपनी दमखम रखती है। तो आपको एसएल जो लगाना है, अगर आप मैं शॉर्ट टर्म का बताऊं तो एसएल 40 पे लगा लीजिए, मतलब स्टॉप लॉस 40 पे, बाय की कॉल जो रहेगी 42 से लेके 45 तक के, टारगेट आप 49 का रख सकते हैं मेरे ख्याल से रख सकते हैं बट 48 रुपीज 30 पैसे तक का ही उम्मीद है। टारगेट थोड़ा बड़ा इसलिए रखा है मैंने ताकि आप लोगों को पता रहे कि यहाँ सेफ्टी रहे कि यहाँ तक की भी उम्मीद है। और अगर ये कंपनी इसको क्रॉस कर जाती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा फिर, क्योंकि 51 जो है इसका नया सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा। अगर उसको ब्रेक करती है तब तो बहुत शानदार आपको रिटर्न दिखाई देंगे क्योंकि उसके बाद कहीं पे इसको वो
ब्रेक नहीं मिलेगा, ये 65 से 60 तक की उम्मीद रखी जा सकती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा।